तो भाई आज हमारे पास है दो ऐसे आईफोन जिनको लेके हमेशा थोड़ी कन्फ्यूजन जरूर रहती है कि दोनों आईफोन्स में से कौन सा आईफोन हमारे लिए बेस्ट है या फिर दोनों आईफोन्स में से कौन सा आईफोन इस टाइम पे हमें चूज करना चाहिए। तो भाई पहला तो है आईफोन 14 एंड सेकंड जो है आईफोन 13 प्रो। और आज स्टूडियो में जो हम दोनों आईफोन्स का जो है डिटेल में कंपैरिजन करेंगे एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स में से कौन सा आईफोन भाई इस टाइम पे हमें कंसिडर करना चाहिए। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों आईफोन्स के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई दोनों आईफोन्स का डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है, बट यहाँ पे जो एक मेजर चेंज है दोनों आईफोन्स के डिज़ाइन में भाई वो ये है कि जो आईफोन 14 है उसकी बैक साइड पे जो हमें एक ग्लोसी ग्लास पैनल देखने को मिलता है एंड जिसकी वजह से जो हमें आईफोन 14 की बैक साइड पे भाई काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल जाते हैं, बट जो आईफोन 13 प्रो है उसमें हमें भाई फ्रोस्टेड ग्लास पैनल देखने को मिलता है एंड जिसकी वजह से जो आईफोन 13 है भाई वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। बाकी बात करें दोनों आईफोन्स के फ्रेम की, तो जो आईफोन 14 है भाई उसमें हमें एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है एंड जो आईफोन 13 प्रो है उसमें जो हमें भाई स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने को मिलता है। बाकी दोनों आईफोन्स की फ्रंट साइड पर हमें भाई ग्लास देखने को मिल जाता है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं दोनों आईफोन्स के डिस्प्ले की। तो दोनों आईफोन्स में ही भाई हमें जो है 6.1 इंच का सुपर रिटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड जिसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है भाई वो 1200 निट्स तक जाती है। बट यहाँ पे जो एक मेजर डिफरेंस है दोनों आईफोन्स के डिस्प्ले में वो ये है कि भाई जो आईफोन 14 है उसमें हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड जो आईफोन 13 प्रो है भाई उसमें हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं दोनों आईफोन्स के कैमरा स्पेक की। तो दोनों आईफोन्स की बैक साइड पे जो हमें भाई 12 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल जाते हैं, बट जो आईफोन 13 प्रो है भाई उसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फर्स्ट वन जो है हमारा वाइड एंगल कैमरा यानी कि जो हमारा मेन कैमरा सेंसर होता है भाई वो मिलता है हमें 26mm डायनेमिक रेंज के साथ एंड जो सेकंड कैमरा दैट इज टेलीफोटो कैमरा यानी कि जो हमारा पोर्ट्रेट मोड वाला कैमरा होता है भाई वो हमें मिलता है 77mm डायनेमिक रेंज के साथ एंड जो थर्ड वन है वो है भाई हमारा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो आता है 13mm डायनेमिक रेंज के साथ। वहीं बात करें iPhone 14 की, तो iPhone 14 की बैक साइड पे जो हमें 12 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फर्स्ट वन जो हमारा वाइड एंगल कैमरा यानी कि जो हमारा मेन कैमरा होता है भाई वो मिलता है हमें 26mm डायनेमिक रेंज के साथ एंड जो सेकंड कैमरा दैट इज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भाई वो भी सेम हमें 13mm डायनेमिक रेंज के साथ देखने को मिल जाता है। बट जो iPhone 14 है भाई उसमें हमें कोई भी टेलीफोटो लेंस का फीचर देखने को नहीं मिलता, इसलिए जो iPhone 14 से भाई हम जो है 1x वाला पोर्ट्रेट फोटो ही क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए भाई अब कर लेते हैं दोनों आईफोन्स का कैमरा कंपैरिजन एंड सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे भाई दोनों आईफोन्स का वीडियो मोड एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स की वीडियो की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है। एंड आपको बता दें कि जो दोनों आईफोन्स है भाई वो मैक्सिमम 4K 60fps तक जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो एक डिफरेंस है वो ये है कि जो iPhone 13 Pro है भाई उसमें हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें हम वीडियो को शूट कर सकते हैं 0.5x 1x एंड 3x, बट जो iPhone 14 है उसमें हमें सिर्फ 2 मोड मिलते हैं जिसमें हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 0.5x एंड 1x। सो चलिए अब कुछ वीडियोस के सैंपल आपको दिखाते हैं जो दोनों आईफोन से शूट किए गए हैं एंड बात कर लेते हैं भाई दोनों आईफोन्स के सिनेमैटिक मोड की। तो दोनों आईफोन्स में जो हमें भाई कमाल का सिनेमैटिक मोड का फीचर देखने को मिल जाता है जिससे जो हम कमाल की सिनेमैटिक वीडियोस शूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो एक मेजर डिफरेंस है दोनों आईफोन्स के सिनेमैटिक मोड में वो ये है कि जो आईफोन 13 प्रो है भाई उसमें हमें कोई भी फ्रेम रेट चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता सिनेमैटिक मोड के अंदर, बट जो आईफोन 14 है भाई उसमें हमें 2 फ्रेम रेट मिल जाते हैं जिसमें हम सिनेमैटिक वीडियो को शूट कर सकते हैं 4K 24fps एंड 4K 30fps, बट जो आईफोन 13 प्रो है भाई उसमें हमें जो है लेंस स्विच का ऑप्शन मिल जाता है सिनेमैटिक मोड के टाइम पे, यानी कि जो हम आईफोन 13 प्रो से जो है 1x एंड 3x वाले जो है सिनेमैटिक मोड का वीडियोस को शूट कर सकते हैं, बट ये जो फीचर होता है भाई हमें आईफोन 14 में नहीं देखने को मिलता। सो चलिए अब कुछ सिनेमैटिक वीडियोस शूट कर लेते हैं दोनों आईफोन से एंड
एंड नाउ कम टू द पोर्ट्रेट मोड। सो चलिए भाई अब कर लेते हैं दोनों आईफोन्स का पोर्ट्रेट मोड टेस्ट एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स की जो पोर्ट्रेट फोटो की क्वालिटीज में क्या डिफरेंस आता है। एंड आपको बता दें कि जो आईफोन 13 प्रो है भाई उसके पोर्ट्रेट मोड में भी हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें हम फोटो को शूट कर सकते हैं 1x एंड 3x। एंड जो आईफोन 14 है भाई उसमें हमें कोई भी टेलीफोटो लेंस का फीचर देखने को नहीं मिलता, इसलिए जो आईफोन 14 है भाई उससे हम सिर्फ और सिर्फ जो 1x वाला पोर्ट्रेट फोटो होता है भाई वही क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए अब कुछ पोर्ट्रेट फोटोज के सैंपल आपको दिखाते हैं। एंड एंड फाइनली कम टू द नॉर्मल फोटो मोड। सो चलिए भाई अब कर लेते हैं दोनों आईफोन्स का नॉर्मल मोड यानी कि जो हमारा मेन कैमरा होता है भाई उसको टेस्ट कर लेते हैं। एंड आपको बता दें कि जो आईफोन 13 प्रो है भाई अगेन उसमें हमें 3 मोड मिल जाते हैं जिसमें हम नॉर्मल फोटो को क्लिक कर सकते हैं 0.5x, 1x एंड 3x। एंड जो आईफोन 14 है भाई उसमें हमें 2 मोड मिल जाते हैं जिसमें हम नॉर्मल फोटो को क्लिक कर सकते हैं 0.5x एंड 1x। सो चलिए अब कुछ फोटोज़ के सैंपल आपको दिखाते हैं एंड जिनको देखने के बाद आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये था कंपैरिजन दोनों आईफोन्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट आप किस आईफोन का कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो